वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, आपके ह्यूज डिमांड पे आज मैं आपके लिए मोटोरोला इन्विजन एक्स स्पेक्ट्रा मिनी एलईडी टीवी का इन डेप्थ रिव्यू लेकर आई हूँ। ये टीवी 50, 55 और 65 इंचेस में अवेलेबल है। सभी टीवीज की पिक्चर क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। मोटोरोला के इन टीवीज को फ्लिपकार्ट ही मैन्युफैक्चर करवाकर इनकी मार्केटिंग करता है। फ्लिपकार्ट ने मोटोरोला के ब्रांड नेम को अपने द्वारा मैन्युफैक्चर टीवीज पे यूज करने का लाइसेंस खरीदा हुआ है। वो मोटोरोला कंपनी का ब्रांड लाइसेंसी है, इसलिए इस मोटोरोला की आफ्टर सेल सर्विसेज आपको जीव्स के थ्रू ही मिलेगी। दोस्तों, इस टीवी को टेस्ट करते हुए हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि जब शुरू में हमने इसे इंस्टॉल करके प्ले किया तो टीवी में बहुत सारे मेजर इश्यूज दिखे। लेकिन जब हमने इस टीवी को दो दिन बाद दोबारा स्विच ऑन करके 5-6 घंटे लगातार चलाया तो ग्रेजुअली इसका परफॉर्मेंस बेटर होता चला गया। लेकिन अभी भी इसमें काफी इश्यूज हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो चलिए अब ये वीडियो इस टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है मोटोरोला इनविजन एक्स स्पेक्ट्रा 50 इंच टीवी। बॉक्स पे टीवी के फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, एक वॉल माउंट, 2-पीस मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड, एक वारंटी कार्ड, पावर कॉर्ड, एक मिनी एवी केबल और एक यूजर मैनुअल रखी आती है। टीवी की बात की जाए तो टीवी की बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। इसके कंस्ट्रक्शन में मेटल और प्लास्टिक का यूज किया गया है। दूसरे बजट टीवीज के मुकाबले ये हैवी है। 3 साइज से टीवी बेजललेस है और नीचे का ब्लैक ग्लॉसी बेजल भी स्लिम ही है, जिसके सेंटर में मोटोरोला की ब्रांडिंग दी गई है। उसके ठीक नीचे फिजिकल बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। नीचे के ब्लैक बेजल से ही मैच करता 2-पीस मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड दिया गया है। साइड से देखने पे भी ये टीवी काफी स्लिम दिखता है। पीछे की साइड भी आपको हाई ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल का कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाता है। पोर्ट्स का प्लेसमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में दिया गया है, जिससे पोर्ट्स को यूज करना काफी कन्वीनियंट हो जाता है। ओवरऑल लुक्स और डिजाइनिंग में ये टीवी स्मार्ट और एलिगेंट लगता है। रिमोट की बात की जाए तो उसका डिजाइन और बिल्ड डिसेंट है। रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट के बटन के अलावा नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम वीडियो और यूट्यूब म्यूजिक की हॉट कीज मिल जाती हैं। लेकिन रिमोट में आपको म्यूट बटन प्रोवाइड नहीं किया गया है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, इथरनेट पोर्ट, एंटीना पोर्ट, मिनी AV पोर्ट, RF पोर्ट, हेडफोन जैक और डिजिटल ऑप्टिकल पोर्ट दी गई है। इसमें दी गई HDMI पोर्ट्स का HDCP वर्जन 2.3 है। इसमें HDMI ERC दी गई है, जो HDMI 2.1 कैपेबिलिटी के साथ आती है। इस टीवी में ब्लूटूथ के साथ डुअल बैंड वाईफाई मिलता है। बात करते हैं उन स्पेसिफिकेशंस की जो कंपनी क्लेम करती है। तो इस टीवी में बैकलाइट्स के लिए मिनी LEDs का यूज किया गया है। ये एक फुल अरे लोकल डिमिंग वाला टीवी है, जिसमें 140 डिमिंग जोन्स दी गई हैं। टीवी में 500 निट्स ब्राइटनेस दी गई है और इसमें 1.07 बिलियन कलर्स देखने को मिल जाते हैं। ये टीवी डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमस और HDR को सपोर्ट करता है। इसके अलावा 60Hz टीवी में ALLM और MEMC भी दिया गया है। ये टीवी एंड्रॉइड 11.0 के साथ आता है और इसमें गूगल टीवी UI दी गई है। इसमें MediaTek का क्वाड कोर प्रोसेसर लगा आता है और 2GB रैम और 16GB रोम दी गई है। इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है, जहां 10,000 प्लस एप्स दी गई हैं। इसके अलावा इसमें गूगल क्रोमकास्ट भी दिया गया है। ऑडियो के लिए इसमें 20 वॉट्स के स्पीकर्स दिए गए हैं, जो डॉल्बी एटमस को सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस पे। तो ये एक VA पैनल वाला फॉल्ड यानी फुल अरे लोकल डिमिंग एग्जिबिट करने वाला QLED टीवी है, जिसमें बैकलाइटिंग के लिए मिनी LEDs का यूज किया गया है। टीवी की ब्लैक यूनिफॉर्मिटी बहुत बढ़िया है। साइड से भी कोई बैकलाइट पीप करते हुए नहीं दिखती है। ब्लैक्स की इंटेंसिटी भी इस टीवी पे एक्सेलेंट मिलती है।
रही ग्रे यूनिफॉर्मिटी की बात, तो ये पैनल होने के बावजूद इस टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी काफ़ी अच्छी है। स्क्रीन पे कोई मेजर डर्टी स्क्रीन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। एक कलर की स्ट्रेच, चाहे वो ग्रीन स्पोर्ट्स फील्ड हो या फिर ब्लू स्काई, सब क्लीन नज़र आती है। रही बात इस टीवी की ब्राइटनेस की, तो 100% विंडो पे स्क्रीन ब्राइटनेस 495 निट्स के आसपास मिलती है। टीवी का कंट्रास्ट भी काफी अच्छा है। ये एक फॉल टीवी है जो लोकल डिमिंग एग्जिबिट करता है। डिमिंग जोन्स का साइज भी स्मॉल है, जो थियोरेटिकली आइडियल माना जाता है। इस टीवी में टोटल 140 डिमिंग जोन्स हैं। होराइजोंटल रो में 14 जोन्स मिलती हैं और वर्टिकली 10 जोन्स देखी जाती हैं। रही ब्लूमिंग की बात, तो टीवी में ब्लूमिंग दिखती है, लेकिन वो पिक्चर में इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती है, जो डार्क सीन्स में आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब कर सके। इस टीवी पे आपको ब्राइट और कलरफुल पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। शुरू में जब हमने इसे टेस्ट किया तो इस पे मोशन ब्लर की बहुत प्रॉब्लम दिखी थी। फास्ट एक्शन सीन्स में ही नहीं, बल्कि कई नॉर्मल OTT कंटेंट को वॉच करते हुए भी लोगों के स्लाइट मूवमेंट, जैसे चलने, हाथ उठाने या फिर सर हिलाने से भी ब्लर दिखता था। शुरू में जब हमने टीवी को प्ले किया तो पिक्चर्स में कई बार पिक्सेलेशन, बैंडिंग और डिजिटल नॉइज दिखाई दी और डार्क बैकग्राउंड में ग्रेन साफ साफ विजिबल हुए। लेकिन जब हमने इस टीवी को लॉन्ग आवर्स के लिए चलाया तो ये प्रॉब्लम रिड्यूस होकर नॉमिनल हो गई। हालांकि बाद में भी हमने इस टीवी पे मोशन ब्लर कई बार नॉर्मल कंटेंट को वॉच करते हुए भी ऑब्जर्व किया, लेकिन तब वो उतना इरिटेटिंग नहीं लगा जितना शुरू में था। मोशन ब्लर के इस टेस्ट में भी आप इस इशू को देख सकते हैं। अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो कैमरा पैनिंग सीन्स में भी ब्लर दिखता है और फ्रेम ड्रॉप होता है। ये टेस्ट मैंने सेटिंग्स में दी गई MJC यानी मोशन जडर कंट्रोल को मीडियम वैल्यू पे रखकर ही परफॉर्म किया है। तब भी इस टीवी का मोशन ब्लर टेस्ट बिलो एवरेज ही रहा। अगर टीवी को लेने के बाद आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप एक दो दिन का इंतजार करिएगा। मोशन ब्लर खत्म तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे तो इस टीवी का पिक्चर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इमेजेस में एक सॉफ्टनेस नजर आती है। इमेजेस शार्प नहीं दिखती है, चाहे आप शार्पनेस को फुल पे ही क्यों ना कर लें। स्पेशली फेसेस में ये सॉफ्टनेस डिटेल्स को हाइड कर देती है। ग्रुप में डिस्प्ले हो रहे सब्जेक्ट्स, जैसे पेड़ों का झुरमुट, उनकी आउटलाइन इस पे वेल डिमार्केटेड नहीं दिखती है। स्पेशली किसी एक कलर में डिस्प्ले हो रहे सारे सब्जेक्ट्स को ये बहुत सॉफ्ट कर देता है। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन विविड और पंची है, जो अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ये टीवी एक कलर के डिफरेंट शेड्स को नहीं बना पाता है। कभी कभी कलर्स अननेचुरल लगने लगते हैं, स्पेशली रेड कलर। कुछ कंटेंट्स में फेसेस रेडिश लगते हैं, तब इस टीवी का कलर सैचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ता है और तब बाकी कलर्स में भी एक फीकापन आ जाता है। टीवी में कभी कभी कलर नॉइस, पिक्सेलेशन और बैंडिंग भी दिखाई देती है, लेकिन इन सब इश्यूज के बावजूद इस टीवी का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगता है। जो फर्स्ट टाइम LED टीवी लेने वालों को या फिर लोअर ब्राइटनेस के टीवी से इस पे शिफ्ट होने वालों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस टीवी की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट अभी जितने भी बजट कैटेगरी के टीवीज हैं उन सबसे अच्छी है, इसलिए डार्क या फिर डिमली इल्यूमिनेटेड स्मॉल साइज रूम में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की वैल्यूज को कम करके रखना पड़ता है, नहीं तो आंखें चौंधिया जाती हैं। वाइट इस टीवी पे बिल्कुल प्योर लगते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ब्राइट दिखते हैं, जो आईज को हर्ट करते हैं। ब्लैक क्लोज और ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ब्लैक बैकग्राउंड इस टीवी पे ज्यादा डार्क दिखता है। क्योंकि ये एक ब्राइट टीवी है, इसलिए इस पे डार्क सीन्स में भी अच्छी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज इस पे बहुत अच्छी दिखती हैं। डॉल्बी विजन कंटेंट इस टीवी पे अट्रैक्टिव दिखते हैं। इसमें HDR10+ सपोर्ट नहीं दिया गया है, उसके बावजूद इस टीवी पे HDR10+ कंटेंट अच्छे दिखते हैं। इस टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। USB के थ्रू लो रेजोल्यूशन कंटेंट्स अच्छे से अपस्केल होकर प्ले होते हैं, उनमें ब्राइटनेस भी अच्छी देखने को मिल जाती है। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो VA पैनल होते हुए भी इस टीवी का व्यूइंग एंगल ज़्यादा बुरा नहीं है। हालांकि साइड से देखने पे कलर्स थोड़े से डल दिखते हैं, लेकिन आप सारे कंटेंट्स को कंफर्टेबली देख सकते हैं।
ऑडियो की बात की जाए तो इसमें डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, इसलिए जब आप इसे वॉल माउंट करेंगे तब ऑडियो उतनी लाउड नहीं सुनाई देगी जितनी वुडन टेबल पे स्टैंड पे रखने पे सुनाई देती है। आउट ऑफ द बॉक्स इस टीवी की ऑडियो बिलो एवरेज है, लेकिन इक्वलाइजर की सेटिंग करने के बाद वो लाउड और क्लियर हो जाती है। तब आप इस टीवी की ऑडियो को अबव एवरेज या अच्छा भी बोल सकते हैं। ये इस टीवी की इक्वलाइजर की बेस्ट सेटिंग्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ऑडियो में बहुत डिफरेंस सुनने को मिलेगा। इस टीवी में डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट टीवी में सुनने को नहीं मिलता है। इसमें HDMI EARC पोर्ट दी गई है, आप उसके थ्रू किसी भी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को इस टीवी से कनेक्ट करके डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मगर अब आप सब हमारे कब्जे में हैं। जैसा हम कहते हैं वैसा करेंगे तो जिंदा रहेंगे। आपने हार नहीं हमारा दिल तोड़ा है। And together we protected its people and our secret. एंड्रॉइड टीवी है जिसमें एंड्रॉइड 11.0 दिया गया है। अब जब मोस्टली टीवीज में 12.0 दिया जा रहा है तो पता नहीं क्यों कंपनी ने अपने इस लेटेस्ट मॉडल को बिना इस अपडेट के ही रिलीज कर दिया। इस टीवी में गूगल टीवी UI मिल जाती है। ऐसे तो ये UI स्मूथ लगती है, लेकिन रिमोट के थ्रू रिस्पॉन्स लेट मिलता है। कई बार कॉन्टेंट देखते हुए जब आप सेटिंग्स खोलेंगे तो पिक्चर स्टक हो जाती है और सेटिंग्स भी देर में खुलती है, जिससे बहुत इरिटेशन होने लगता है। इस टीवी का सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस भी अच्छा है। HD चैनल्स इस पे अच्छे दिखते हैं और HD चैनल्स को भी आप कंफर्टेबली देख सकते हैं। गेमिंग की बात की जाए तो इस टीवी पे आप 4K HDR एट 60 हर्ट्ज में गेमिंग कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। गेमिंग करते समय कोई लैग या स्टटरिंग नजर नहीं आती है। इनफैक्ट गेमिंग करते हुए मोशन भी कंट्रोल दिखता है। वीडियो को सम अप करते हुए मैं यही कहूंगी कि ये एक अच्छा टीवी है जिसे और बेटर बनाया जा सकता था। अभी तक बजट कैटेगरी के टीवीज में फुल अरे लोकल डिमिंग और मिनी LEDs मुझे कोई खास रोल प्ले करती नहीं दिखाई दी हैं। उनसे बेटर और स्मूथ परफॉर्मेंस कई नॉर्मल LED टीवीज में देखने को मिल जाता है। इस टीवी में प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया गया है। कंपनी को चाहिए कि टीवी के नए बैच में मैन्युफैक्चर हो रहे टीवीज की एल्गोरिदम को अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर और बेटर टेक्नोलॉजीज के थ्रू ऑप्टिमाइज करे, जिससे इसमें आ रही दिक्कतें दूर हो सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।